हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेजर कॉज क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे क्या पड़ा। क्योंकि देखेंगे हम कि ये पहला रिवॉल्यूशन था जो मोनार्की के अगेंस्ट में हुआ था एक लार्ज स्केल में, और उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो टोटली चेंज हो गया था। तो क्या इस रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट यूरोपियन नेशंस पे पड़ा, और पड़ा तो किस फॉर्म में, ठीक है, क्या सोशल डिविजन था, रिवॉल्यूशन का मेन कॉज क्या था। सो सारा चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्टिकुलर। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये 10 ईयर का एक टाइमिंग था, 1789 से लेकर के 1799 तक, जब तक कि नेपोलियन ने अपने हाथों में कंट्रोल नहीं ले लिया तब तक ये रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था, फर्स्ट पॉइंट। और इस जो 10 इयर्स का टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं। जैसे कि पहले आपकी मोनार्की रहती है, मोनार्की के बाद फिर से डेमोक्रेसी आती है, फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं। और लास्ट में जब 1799 में नेपोलियन अपने हाथ में कंट्रोल ले लेता है, 1799 में अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है फ्रांस का, वो अलग बात है कि 1804 में फिर वो इंपायर बनता है और बहुत सारा रिफॉर्म करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कब हुआ था, पार्टिकुलर डेट। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस जो कि यूरोप में है, वहां के लोग को भी क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, और वहां का लैंग्वेज भी फ्रेंच है। इन 1774, देखिए चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज फोर्थ है। फर्स्ट जो था पॉलिटिकल कॉज, सेकंड सोशल कॉज, थर्ड इकोनॉमिकल कॉज, और फोर्थ इंटेलेक्चुअल कॉज। और इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं, तो सोशल डिविजन था फ्रांस के जो लोग थे उनके बीच में, डिफरेंट सोशल डिविजन था। पावर जो था कुछ ही लोगों के पास सेंट्रलाइज था, जिसके चलते लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और इसको डिस्कस करने के टर्म में जो फर्स्ट कॉज हम लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज मतलब सबसे पहली बात कि फ्रांस पे रूल कौन करता था। तो फ्रांस पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बर्बन डायनेस्टी, वो फ्रांस पे रूल करती थी, डायनेस्टी का नाम बर्बन डायनेस्टी। और इसी डायनेस्टी के डिफरेंट रूलर हुए, जो जिस टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम में रूलर कौन था, लुई 16 थे। पॉलिटिकल कॉज में हम लुई 16, लुई 15 और लुई 14 के बारे में जानते हैं। इन तीनों राजाओं में सबसे ज्यादा पावरफुल या बोल्ड रिफॉर्मर लुई 14 था, वो ग्रेट वॉरियर भी था, उसने अपना टेरिटरी काफी ज्यादा एक्सपेंड किया। लेकिन इन तीनों जो राजा थे, इनमें कॉमन चीज क्या था कि इनकी ये लगातार वॉर करते थे डिफरेंट नेशंस के साथ, अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, जिसके चलते फ्रांस कंटिन्यू डेब्ट में चलते गया, वो लगातार कर्ज में गया। चाहे वो लुई 14 की बात करें, लुई 14 ने बहुत सारी जगहों पे कंट्रोल किया, बट वो कंटिन्यू वॉर के चलते उस टाइम भी फ्रांस डेब्ट में गया। लुई 15 के टाइम में भी फ्रांस डेब्ट में गया, और लुई 16 के टाइम में फ्रांस डेब्ट में गया। लेकिन मेन कॉज क्या था, ये तो डेप्ट में जाना कि लगातार फ्रांस कर्ज में जा रहा था, मेन इसका कारण क्या था, तो ये लगातार लड़ाइयां कर रहे थे। अगर हम डिस्कस करते हैं लुई 16 के बारे में, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ये कैपेबल रूलर नहीं थे, बोल्ड रिफॉर्मर नहीं थे, और हमेशा अपनी वाइफ की बातों को मानते थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था, मरी एंटोनियो, इनकी वाइफ का नाम था। सेकंड पॉइंट कि जिस टाइम में रूलर बनते 1774 में, जस्ट इसके 2 ईयर बाद अमेरिका में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, और उस फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रांस को कोई फायदा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका में जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उसमें फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट कर दिया, और फ्रांस की सपोर्ट से अमेरिका फ्रीडम भी गेन करता। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में फ्रांस को कोई फायदा नहीं होता, ऊपर से इनको नुकसान ही होता है। उसके बाद फ्रांस फिर से डेब्ट में गया। एक और कॉज है यहाँ पे कि डेप्ट में जाने के साथ साथ 1789 में क्या हुआ कि क्रॉप फेल हो गए थे, तो उसको हम लोग डिफरेंट कॉज में जानेंगे। मेन कारण क्या था कि जो रूलर थे वो कैपेबल रूलर नहीं थे। सेकंड पॉइंट कि ये जो इनका किंगडम था, जो इनका कैपिटल सिटी था पेरिस, उससे काफी दूर वर्साइल के पैलेस में रहते थे, जो कि पूरी तरह से वो स्टेट से हटा हुआ पार्ट था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की लेविश लाइफ स्टाइल स्पेंड करते थे, इनके सेवा के लिए 1600 नौकर थे, इनकी वाइफ की सेवा के लिए 800 नौकरानी थी, मेड थी,
तो इस तरह से लेविस लाइफ स्टाइल स्पेंड करते थे। इनको बाहरी दुनिया से अपनी किंगडम से कोई मतलब नहीं था, जिसके चलते डिस्टेंस बनता गया सिटीजन्स के बीच में और जो रूलर्स थे उनके बीच में। लुईस 16 की अनकैपेबिलिटी ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज होगा। और अगर इनको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो क्या करते थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब टैक्स इंक्रीज कर देते थे। तो देखेंगे कि कॉज क्या रहा, इमीडिएट कॉजेस क्या रहा। सबसे अनकैपेबिलिटी जो है लुई 16 की, ये मेन कॉज रहा किस चीज का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और ये पॉलिटिकल कॉज में आता है। इसके बाद अगर हम सोशल कॉज की बात करेंगे तो उस टाइम फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो थ्री पार्ट में डिवाइड थी, क्लेर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। क्लेर्जी में जनरली क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो प्रिस्ट होते थे वो आते थे, जैसे कि फादर हो गए, पर्टिकुलर चर्च के हेड, बिशप, कुछ स्पेसिफाइड एरिया में जो चर्च के हेड होते थे, उसके बाद आपके पोप हो गए, पूरे क्रिश्चियनिटी के वो हेड होते थे। तो इस तरह से क्लेर्जी को सबसे बड़ी एडवांटेज मिली थी, प्रिविलेज मिली थी किनको, क्लेर्जी को। और इस प्रिविलेज का मेन पॉइंट क्या था कि इनके साथ किनका सपोर्ट था, नोबिलिटी का सपोर्ट था। जितनी भी टैक्स अगर अराइज करना रहता था तो थर्ड स्टेट वाले को, जो पुअर पीजेंट्स थे या डिफरेंट प्रोफेशन वाले थे, टैक्स उनसे लिया जाता था, नोबिलिटी यानी रॉयल फैमिली मेंबर वाले और क्लेर्जी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ऊपर से चर्च के लिए अलग से टैक्स था, स्टेट को डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था। तो ये सब सोशल डिविजन था। सेकेंड पॉइंट, थर्ड स्टेट वालों का लाइफ काफी ज्यादा डिक्लाइन था, 95% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट वालों का था, लेकिन जो सोशल स्टेटस चाहिए वो उनको नहीं मिला हुआ था। इकोनॉमिकली वो काफी वीक थे और उनके कंपेयर में क्लेर्जी और नोबिलिटी काफी स्ट्रांग थे। टोटल लैंड का फर्टाइल पार्ट जो था उसका 10% क्लेर्जी के पास था, 25% जो था वो नोबिलिटी के पास था, और जो 65% में जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड था उन सब एरिया पे वो एग्रीकल्चर करते थे, कौन, जो पुअर पीजेंट्स थे। ऑनरशिप अभी भी पुअर पीजेंट्स के पास नहीं थी। और ये मेन सोशल डिविजन था कहां पे, फ्रांस में, और इसके साथ साथ पूरे यूरोप में जो एक तरह से सिविल वॉर वाली सिचुएशन है, एक तरह से रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में आया। ये सोशल डिवीजन मेन फैक्टर था। अगर हम थर्ड पॉइंट कवर करेंगे इकोनॉमिकल कॉज, तो इकोनॉमिकल कॉज में क्या होता है, 1789 में हार्श क्लाइमेट के चलते काफी ज्यादा ठंड थी, जिसके चलते क्रॉप फेल हो गए थे फ्रांस में। और क्रॉप फेल होने के बाद जो किंग था इनका लुई 16, वो लगातार टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो एक तो क्रॉस फेल थे, टैक्स एक देने में अनकैपेबल थे, सो लोग रिवॉल्यूशन पे आ गए, क्योंकि इनके उस टाइम फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, प्रोडक्शन नहीं हुआ था, ऊपर से राजा टैक्स इंक्रीज कर रहा था बिना मतलब का। तो इस तरह से लोग रिवॉल्यूशन पे, क्योंकि अब मरने वाली सिचुएशन थी, इसलिए लोग वहां पे रिवॉल्यूशन के लिए आ गए। फोर्थ कॉज जो है इंटेलेक्चुअल कॉज, इंटेलेक्चुअल कॉज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वहां के जो फिलोसफर रहेंगे, जो नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे वो लोग, जैसे कि आपके रॉसी हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, वोल्टेयर हो गए, ये लोग नॉलेजेबल थे। उस टाइम प्रिंट कल्चर आ चुका था फ्रांस में, तो जो न्यूज़पेपर होते थे उस पे वो कॉलम लिखते थे, और इनका इम्पैक्ट पूरी फ्रांस के जो सिटीजन थे उनके ऊपर पड़ता था। लोग जान जाते थे कि राजा अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर कॉलम नहीं लिखिएगा, न्यूज़पेपर अगर हर किसी पास अवेलेबल नहीं है, लिटरेसी रेट काफी ज्यादा डिक्लाइन, तो हर कोई जान ही नहीं पाता था कि पेरिस या वर्साय में चल क्या रहा। लेकिन इंटेलेक्चुअल कॉज में क्या हुआ था कि राजा जो मोनार्की थी, राजतंत्र थी, उसके अगेंस्ट में लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, जिससे कंट्री साइड वाले, विलेज साइड वाले भी इस बारे में जानना स्टार्ट कर दिए। तो ये चार मेन कॉज थे किसके लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और इस चैप्टर में हम इसी कॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन 1774 वन मार्क क्वेश्चन की लुई 16 जो बर्बन डायनेस्टी का रूलर था वो कब रूलर बना, तो 1774 में रूलर बना था। लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ अ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, कब सिंहासन पे बैठा, तो 1774 में। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, मारिया एंटोनियो, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थे। अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों पास में है, और उस टाइम में मारिया एंटोनियो का जो ब्रदर था, भाई था, ड्यूक मेटरनिस, वो पावरफुल रूलर था कहां का, ऑस्ट्रिया का। फ्रांस एडेड टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, एक चीज आपको बता चुके हैं कि 1774 में लुई 16 राजा बनते हैं, 1776 में अमेरिका में इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है, और उस इंडिपेंडेंस में फ्रांस सपोर्ट कर देता है किनको, अमेरिका को। कारण, क्योंकि इससे कुछ साल पहले फ्रांस बुरी तरह से इंग्लैंड से हार गया था, और अमेरिका किससे फ्री होना चाहता था, इंग्लैंड से फ्री होना चाहता था। तो
इंग्लैंड से बदला लेने के रिवेंज के सेंस में वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके उनको जाते हैं सपोर्ट करने, जिसमें इनको लगातार लॉस होता है, प्रॉफिट एक रुपए का भी नहीं, जिसके चलते फ्रांस डेब्ट में गया, कर्ज में गया। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेट में डिवाइड थी? तो थ्री स्टेट में डिवाइड थी। क्लर्जी, जिनको प्रिविलेज ड्यू टू बर्थ प्राप्त था, जो चर्च और उससे रिलेटेड होते थे। नोबिलिटी, जो रॉयल फैमिली मेंबर वाले थे। और थर्ड जो है, थर्ड स्टेट में डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले, पुअर पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस फार्मर हो गए, आर्टिसंस हो गए, तो ये थर्ड स्टेट में थे। पॉपुलेशन किनका ज्यादा था? 95% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का था, लेकिन इकोनॉमिकली या सोशल स्टेटस इनका काफी ज्यादा वीक था। टिथ क्या था? टिथ अ टैक्स लेविड बाय द चर्च। चर्च एक तरह से अलग से टैक्स लगाता था, जिसको हम टिथ बोलते हैं। और टैली क्या था? टैक्स पे डायरेक्ट टू स्टेट। एक टैक्स जो था वो स्टेट को पे करना रहता था, जो वहां की रूलिंग अथॉरिटी होती थी उसको पे करना रहता था, और टैक्स जो था वो पे करना रहता था चर्च को। अब देखिए, क्योंकि क्रॉप फेल हो गए, टैक्स इंक्रीज कर रहा था, और इसलिए लोगों के लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो गया, लोग के लिए हार्डशिप हो गया। हार्डशिप मतलब कि एक तो क्रॉप्स फेल हो गए हैं, फूड प्राइसेस या डिफरेंट एडिबल पार्ट्स जो एडिबल गुड्स है उसके प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं, इनकम के कोई सोर्सेज नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस सिचुएशन में लोगों को सर्वाइव करना काफी हार्ड हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अगर हम फोकस करते इस पॉइंट पे, तो फ्रांस का पॉपुलेशन जो था स्टार्टिंग 18th सेंचुरी आपको बता चुके हैं, और हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 1701 टू 1800 ये आपका 18th सेंचुरी होगा। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था 18th सेंचुरी का 1715, उसमें फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन रहता है, जबकि जैसे ही 18th सेंचुरी लास्ट होने पे रहता है 1789, तो फ्रांस का पॉपुलेशन जो है वो 28 मिलियन हो जाता है। इसका मतलब क्या कि इस 100 ईयर के टाइम पीरियड में फ्रांस का पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। 1789 में फ्रांस का पॉपुलेशन ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीकल्चर फेल हो चुके थे, राजा टैक्स इंक्रीज कर दिया था, और ये मेन रीजन था रिवॉल्यूशन का। दिस लेड टू द रैपिड डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। किस चीज की? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो फूड ग्रेन्स, चाहे आपकी डिफरेंट नीड पूरी हो या ना, लेकिन फूड ग्रेन्स तो रिक्वायर्ड है, तो रैपिड डिमांड थी। किस चीज की? फूड ग्रेन्स की। किनके बीच में? फ्रेंच सिटीजन के बीच में। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड। और जो प्रोडक्शन होता था ग्रेन्स का, डिफरेंट ग्रेन्स का, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। प्रोडक्शन कम था और डिमांड ज्यादा था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस कम था, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब कि खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर वो आपको हार्डली मिल पा रहा है, तो होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब जो आपकी बेसिक नीड है वो अफेक्ट हो रही है इस क्राइसिस में। ग्रोइंग मिडिल क्लास। इस टाइम तक मिडिल क्लास अपने राइट, क्योंकि मिडिल क्लास में लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ इनको अपने राइट को प्रोटेक्ट करने वाली बात आएगी माइंड में, जिसके चलते रिवॉल्यूशन को एक पेस मिलेगा। अभी तक लुई 14 के टाइम में, लुई 15 के टाइम में, अभी तक किसी ने डिमांड नहीं की थी अपने राइट्स के लिए, राजा जो टैक्स लगाता था उस टैक्स को पे करते थे। लेकिन लुई 16 के टाइम में लिटरेसी रेट इंक्रीज कर गई थी, मिडिल क्लास पढ़ना लिखना जान रहे थे, और डिफरेंट रिनाउंड ऑक्यूपेशन वो चूज कर रहे थे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, और ये अब मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम राजा को टैक्स इस सेंस में नहीं देंगे। तो मूवमेंट लीड करना स्टार्ट कर दिए, और उस मूवमेंट को कौन लीड करते थे? मिडिल क्लास वाले। और राजा अगर कोई टैक्स इंक्रीज कर रहा है तो आप उसको हम अपोज करेंगे। अब रिवॉल्यूशन मतलब एक सडन चेंजेस होता है। द 18th सेंचुरी विटनेसेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास। अगर हम बात करते 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी का लास्ट जो टाइम था, उस टाइम में सोशल ग्रुप जो थे मिडिल क्लास, वो काफी स्ट्रांग हो रहे थे। देखिए, स्टार्टिंग के जो क्वार्टर था आपका 1715, उस टाइम में मिडिल क्लास था, लेकिन उस टाइम मोनार्की स्ट्रांग थी, इसलिए मिडिल क्लास कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस टाइम में मिडिल क्लास स्ट्रांग हो गया, जिसके चलते रिवॉल्यूशन हुआ। फेमस फिलोसफर सच है जॉन लॉक, रॉसियू, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये फेमस फिलोसफर थे, जो जिनको कलम का सिपाही हम लोग कहते हैं। कलम का सिपाही मतलब वो सेंटेंस लिख करके, वो कॉलम लिख करके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख करके क्या करेंगे, उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करते थे।
उन लोगों का प्रभाव जो था सिटीजन के ऊपर काफी ज्यादा था, लोग उनकी बातों को मानते थे, और ये भी एक मेजर कॉज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक तरह से आइडियल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। एक सेंटेंस था मरियाना एंटोनियो के जो ब्रदर थे, ऑस्ट्रिया के किंग थे ड्यूक मेटरनिस, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस कभी स्नीज करता है तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। इसका मतलब कि अगर कोई चेंजेस हो रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहा है या किसी तरह का रिवॉल्यूशन हो रहा है फ्रांस में, तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता था। और उस टाइम यूरोपियन नेशन के पास बहुत सारे क्रोनिकल कंट्री थे, जैसे कि इंग्लैंड भी यूरोप में है, इंग्लैंड का क्रोनिकल क्रोनियल कंट्री हम लोग थे इंडिया। तो अगर यूरोप में कोई चेंजेस होता था तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता था, क्योंकि यूरोपियन नेशन के पास क्लोनियल कंट्री थे। इस तरह से इस पार्ट को हम लोग कवर किए हैं। इसके बाद दो पार्ट है, उसमें जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।